दोस्तों, आज हम फिर से बदमाश जानवरों के मजाकिया व अजीबोगरीब क्लिप देखने वाले हैं, जिसे देखकर एक रोता हुआ इंसान भी हंसने पे मजबूर हो जाएगा। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखेगा। दोस्तों, इस मज़ेदार क्लिप पर नज़र डालिए, जहां इस तोते को उसकी मम्मी ने घर से बाहर निकाल दिया है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि बिल्लियाँ चिड़ियों का शिकार करना पसंद करती है, लेकिन क्या हो अगर बिल्ली और चिड़िया दोनों आपस में दोस्त हों, तो आखिर ये किस तरह लड़ाई करेंगे, चलिए देखते हैं। अरे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि जानवर पैसों के नहीं बल्कि प्यार के भूखे और प्यासे होते हैं, तो इस क्लिप को देखने के बाद आपकी भी सोच बदलने वाली है, क्योंकि अब जानवर खाना के साथ साथ पैसों के भी भूखे और प्यासे होने लगे हैं। जैसे कि इस क्लिप में एक शख्स दो लोगों को पैसे देता है और डॉगी को उनसे कम देता है, जिस वजह से डॉग ऐसे रिएक्शन देता है मानो उसे भी इन दोनों के जितना पैसे चाहिए। और जब ऑनर उसे पूरे पैसे देता है, तब जाकर डॉग पैसे लेने के लिए तैयार होता है। चल, मेरे को इतना छोटा दिया। ए बाबा, ए नहीं ला बाबा, ला। दोस्तों, आपने बचपन में बड़ों को छोटों के मजे लेते जरूर देखा होगा, पर क्या आपको पता है हाथी भी अब इस काम में माहिर हो चुके हैं। जैसे कि इस क्लिप में हाथी जल्दी से चोरी छुपे इसकी टोपी लेकर उसे अपने मुंह के पास छुपा लेता है, लेकिन मोहतरमा को लगने लगता है कि हाथी ने उसके टोपी को गटक लिया। दोस्तों, वैसे तो एनिमल्स अपने ही खुशी में मस्त रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब बात आती है ईगो की, तो ये बड़े से बड़े जानवर से भी भिड़ने को तैयार हो जाते हैं। जैसे कि आप इस बकरी को ही देख लीजिए, जो पिंजरे में कैद घोड़े से बेवजह भिड़ने की कोशिश करने लगता है और उसे बार बार लड़ाई करने के लिए उकसा रहा होता है। अभी तेरे को फोड़ डालूं मैं? क्या तेरे को क्या फुग्गा दिखता हूँ, फोड़ेगा तू? अभी तेरे को मैं उठा के नीचे फेंक डालूंगा। हाँ तो मैं सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ जाऊँ। तेरे को दिखाना पड़ेगा। मैं भी तेरे को दिखाएगा। क्या करेगा तू? तू क्या करेगा रे? ये तो चुप रे रे, तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि बंदर दिन भर किसी न किसी को परेशान करते रहते हैं, तो आप इस क्लिप पर नजर डालिए, जहां बंदर अब से काम करना भी स्टार्ट कर दिए हैं। सुबह से शाम तक काम काम काम, खाना हराम। लाने दो लाने दो लाने दो, ये सस्ता और अच्छा साबुन है, इसलिए इतनी मजदूरी करवा रहे हो। जिसको जो काम दिया उसको खुद ही करना पड़ेगा, और वो भी दिए हुए वक्त पर, नहीं तो कुत्ते के पट्टे के साथ यहाँ पर पिटाई होती है। अच्छा, ये मजाक? अब तो वक्त के अंदर काम करके दिखाता हूँ। फटाफट ये काम खत्म करोगे तो तुरंत दूसरा काम दूंगा। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? यहाँ डॉग नदी किनारे सोता हुआ मस्त अपनी प्रेमिका के सपने देख रहा था, लेकिन तभी भाई 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 भाई। खूब ठंडा है। दोस्तों, आपने इंसानों को वॉलीबॉल खेलते जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी डॉग को वॉलीबॉल खेलते देखा है, वो भी कुछ इस तरह से? दोस्तों, इस डॉग का नाम है कियारा, जो किसी अच्छे प्लेयर की तरह ही वॉलीबॉल खेल सकता है। अब इस मजेदार क्लिप को देखिए, जहां तीन कुत्ते दोस्त पास वाले घर में हो रहे कांड को देखने के लिए बालकनी तक आ पहुंचते हैं और पूरा जगह घेर लेते हैं।
तभी पीछे से इनका सरदार आता है, जो हो रहे कांड को देखने के चक्कर में अपने चेले को ही बालकनी से गिरा डालता है। अरे इधर क्या मदारी का खेल हो रहा है, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। नॉनसेंस, ये तो बहुत गहरा है। मेरे को धक्का किसने मारा? क्या माइला, ये भाग रहे। वैसे बालकनी की ऊंचाई कम थी, जिस वजह से उसका चेला बच निकलता है। दोस्तों यहाँ बिल्ली और बिल्ला दोनों रंगरलियाँ मना रहे होते हैं, तभी वहाँ तीसरी बिल्ली आ जाती है, जिसे देख एक बिल्ली रफू चक्कर हो जाती है और काला बिल्ला समझ नहीं पाता। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसकी भी दुनिया हिल जाती है, क्योंकि उसके प्रेमिका ने आज उसे रंगे हाथों पकड़ लिया था। और इसके बाद उस बिल्ली का हाल कुछ ऐसा था। दोस्तों इस दुनिया में कैटरपिलर की हजारों प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से अधिकांश कैटरपिलर के शरीर में कांटे होते हैं। वैसे ही एक कांटेदार कैटरपिलर इन मेंढकों के रास्ते से धीरे धीरे गुजर रहा होता है, और इसे देख ये मेंढक इसका शिकार करना बेहद आसान है सोचकर इसे अपना खाना बनाने का प्लान बना लेते हैं, जिसके बाद एक मेंढक मौका देखते ही इस कैटरपिलर को गटक लेता है, लेकिन इसके कांटे की वजह से इसे तुरंत मुंह के बाहर निकाल भी देता है और दर्द के कारण चुपचाप अंदर घुस जाता है। और बाकी के दो मेंढक इस नज़ारे को देखकर मूर्ति के समान चुपचाप खड़े ही रह जाते हैं। अबे साले ये बोलता काहे को नहीं या बाबा। अब इस बिल्ली को देखिए, जो कि लंगड़ा कर चल रही थी, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ऑस्कर लेवल की एक्टिंग करने के बावजूद भी उसे कोई नहीं देख रहा, तो बेचारी खुद ब खुद सही चलने लग जाती है। दोस्तों जानवर भी गजब के होते हैं, जो कभी कभी ऐसे कारनामे कर दिखाते हैं जिन्हें देखकर हम भी विश्वास नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ रात के समय यह शख्स पहरा दे रहा था, तभी तीन बिल्लियाँ तेजी से गुजरती है। तभी पीछे से बिल्लियों की सरदार आती है, जो उस शख्स से पूछती है कि आखिर तीनों बिलौटे कहाँ गए, और वह शख्स बता भी देता है। फिर बताया रास्ते पर बिल्ली निकल पड़ती है। दोस्तों आपने आज तक बंदरों को सिर्फ फल और सब्जियां चुराते देखा होगा, लेकिन अब इससे भी मिलिए जिसने चुराना छोड़कर सब्जियां बेचना शुरू कर दिया है। ए बाबा टाइम बहुत खराब आ गया है। आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले, तोरी ले ले, गाजर ले ले, मूली ले ले। अरे नहीं बाबा, मैं नहीं आ सकता, गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ के गया, उसको बुरा लगेगा, नहीं आ सकता। तो दोस्तों आज के डूम बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।